समस्या आते थे। एक ने मुझसे कहा था कि वो स्ट्रक्चरल सिमुलेशन, किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल सिमुलेशन आपके पास हो, उसको आप लोगों ने प्रेजेंट करना। चले आज के दिन, जैसा मैंने कहा कि हमारा एसेंशियली कोर्स आउटलाइन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक आधा टॉपिक इस लिहाज से था कि हमारे पास जो मैथमेटिकल बिहेवियर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, आई रिमेम्बर कि हमने उसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि जी आपके पास पैराबोलिक, इलिप्टिक या हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है, उनके पास अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो उसको क्लासिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आगे डिस्कशन नहीं की थी कि मैथमेटिकली किस तरह कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के थ्रू या हमारे पास एक आधा और क्रेमर्स मेथड होता है उसको इस्तेमाल करते हुए। तो इंशाल्लाह उस पर एक छोटा सा लेक्चर मैं इन फ्यूचर आप लोगों को दूंगा। बाकी जिस तरीके से मैंने आपसे बात की थी, अभी बयान किया था कि ट्यूटोरियल सेशन की बुनियाद पर, चूँकि हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं, हम अपने आप को और इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो अप्लाइड साइड के ऊपर रखना चाहेंगे। आज के लिए मैंने आपको एक टास्क देना है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है कंप्रेसिबल फ्लो इन नोजल का, जिसके अंदर आपने फ्लो फील्ड एनालाइज करनी है नोजल के अंदर। अब ये प्रॉब्लम सारे का स्टेप बाय स्टेप मौजूद है एंसेस की बेसिकली वेबसाइट पे, लेकिन एक्चुअली हमारे पास कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की, अगर आप जाएं उस उनके बहुत से फ्लुएंट के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। आप बेसिक सिंपल गूगल के ऊपर सर्च करें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी फ्लुएंट ट्यूटोरियल, तो आपके सामने इनका सिम कैफे की वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी, फ्लुएंट लर्निंग मॉड्यूल्स, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेसिक ट्यूटोरियल और थोड़ा सा एडवांस लेवल के भी एक दो ट्यूटोरियल पाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एनसिस की लर्निंग मॉड्यूल कर सकते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो इसी से रिलेटेड है, इसी में से है। मैं आपसे इसके यूआरएल शेयर कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे मैसेज होता जी। थोड़ा सा मेरे गला का इशू हो रहा है। मैंने आप लोगों से लिंक के डिस्क्रिप्शन में, ये मीटिंग चैट के अंदर शेयर कर दिया है। आप लोगों का बेसिकली काम किया, आपने इस ट्यूटोरियल पे स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, सिर्फ जो आपने वेरिएशन लेके आनी है इस ट्यूटोरियल के अंदर वो ये होगी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है स्टैग्नेशन टेम्परेचर 300 केल्विन्स का, ये आपके पास 300 नहीं रहेगा, सिर्फ आपने जो टेम्परेचर है उसको 300 प्लस योर रजिस्ट्रेशन नंबर, लास्ट टू डिजिट्स ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको यूटिलाइज करके इस एनालिसिस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सारे का सारा इसमें आप देख सकते हैं, पूरा स्टेप मौजूद है कि आपके पास स्टार्टअप प्री एनालिसिस क्या होगा, ज्योमेट्री की क्रिएशन किस तरीके से हमारे पास हो सकती है, ज्योमेट्री आपके पास किस तरीके से है, मैशिंग आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, आपके पास कैसी, इन्होंने एक्सिस सिमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म किया होगा, इस सेंटर के अंदर आपने एक्सिस के अराउंड इसको एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, और इन्होंने जो एनालिसिस वो मैशिंग भी क्रिएट की हुई है, वो स्ट्रक्चर मैश क्रिएट किया हुआ है। इस प्रॉब्लम को आपने स्टेप बाय स्टेप सारे को सॉल्व करना है, और इसकी एक पोस्ट प्रोसेसिंग की एक 2 पेजों की रिपोर्ट, जिसके अंदर आपके टेम्परेचर कंटूर, वेलोसिटी वेक्टर, एक इन्होंने यहाँ पे चीज़ आके कैलकुलेट की हुई थी मॉक नंबर की वेरिएशन यूजिंग सीएफटी प्रोसेसिंग वो, और एक चौथी चीज़ आपके पास, मैं सारी चीज़ें चैट के अंदर भी लिख रहा हूँ, टेम्परेचर कंटूर वेलोसिटी वेक्टर थ्रस्ट, आपके पास
जो इस नोजल है इसकी थ्रस्ट कितनी होगी, थ्रस्ट किस तरीके से निकालेंगे आप लोग, नोजल क्या डिवाइस होती है अगर मैं आपसे पूछूं। जी मुआज, मैंने अगर नोजल के अक्रॉस मैंने अगर थ्रस्ट फाइंड करनी हो, मेरे पास ये नोजल मौजूद है, इसके अक्रॉस थ्रस्ट फाइंड करनी है तो मैं किस तरीके से करूंगा। इनलेट सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, आउटलेट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बी है। नोजल से क्या चीज चेंज हो रही होती है, रिवाइज करें थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स टू, नोजल में हम क्या काम करते हैं। Anyone else? सर फ्लूइड को एक्सीलरेट करा रहे होते हैं। फ्लूइड को एक्सेलरेट किस तरीके से कराते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पार्ट क्यों होता है उसके? सर पहले उसका एरिया डिक्रीज करके वेलोसिटी इंक्रीज करता है सर, और फिर उसके बाद डाइवर्जिंग पार्ट क्यों होता है? बिल्कुल मैक नंबर से क्या आपके पास रिलेशनशिप है? आप लोगों ने पढ़ी थी ना सर, ये हमारे सामने कुछ रिलेशनशिप्स आगे सामने निकल के आए। ये जो रेड में हाइलाइटेड रिलेशनशिप है इसको अगर मैं देखना शुरू करूं, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास इफेक्ट ऑफ एरिया चेंज का रिलेशनशिप मौजूद है वेलोसिटी के साथ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्क नंबर। इसका मतलब क्या है कि जब मेरे पास मार्क नंबर 1 से कम होगा, ठीक है, तो क्या होता है, मार्क नंबर जब 1 से कम होगा तो एरिया डिक्रीज करने से क्या हो रहा होगा, मेरे पास फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही मेरे पास मार्क नंबर 1 पहुंचेगा, अगर मैं फर्दर एरिया डिक्रीज करना शुरू कर दूंगा तो वो फ्लो इस एम स्क्वायर माइनस 1 की वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसेलरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपके पास सबसोनिक फ्लो होता है तो एरिया डिक्रीज जो है वो एज अ क्या इस्तेमाल होता है, नोजल इस्तेमाल हो सकता है चीज का। लेकिन जब आपके पास जैसे ही सुपरसोनिक फ्लो की तरफ बात चली जाती है तो आप एरिया जब डिक्रीज करते हैं वो आपका एज अ डिफ्यूजर एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से आपने जब फ्लो को एक्सेलरेट करवाना होता है एट हाई वेलोसिटीज, ठीक है, जिधर हाई मार्क नंबर चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जहाँ पे इनलेट पे सबसोनिक फ्लो आता है, सबसोनिक फ्लो एक्सेलरेट करता है कन्वर्जिंग पार्ट के अंदर, वो अनटिल और अनलेस आपके मिनिमम एरिया पे पहुंच जाता है। मिनिमम एरिया यहाँ पे क्या कहलाता है, थ्रॉट का एरिया। और उसके बाद जब यहाँ पे थ्रॉट के एरिया में क्या कंडीशन होती है कि आपके पास मास मार्क नंबर 1 होता है और मास फ्लो रेट मैक्सिमम आप जिसको चोकिंग फ्लो कहते हैं वो अचीव हो जाता है। और उसके बाद आपने अगर इस फ्लो को फर्दर एक्सेलरेट करवाना है तो क्या होगा, आपको इसको डाइवर्ज करवाना होगा। डाइवर्ज करवाएंगे तो अब ये जो डाइवर्जिंग पार्ट है ये सुपरसोनिक फ्लो में एज अ नोजल एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपके पास ये कैटेगरी कर लेती है डालेवा नोजल की। थोड़ा सा इस एरिया के अंदर वेरिएशन हमारे पास मार्क नंबर को डिस्टर्ब कर सकती है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने डाइवर्जिंग पार्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से
डाइवर्ज करवा देता हूँ, इसमें हमारे पास शॉक वेव का फिनोमेना विद इन नोजल प्रोड्यूस हो सकता है। तो आज के जो आप ट्यूटोरियल करेंगे उसके अंदर आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि वेदर ये जो हम नोजल डिज़ाइन की हुई है इस फॉर्मूले के तहत जो उन्होंने गिवन है हमारे पास, ये वाला ए इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स के, और जो एक्स की वैल्यू है रेंज कर रही है वो माइनस 0.5 से प्लस 0.5 तक। इसके लिहाज से जो आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल डिज़ाइन कर भी रहे हैं वो सही तरीके से हो रही है, ठीक है। ये आप लोग आज के दिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कोई मसला आता है तो फिर बताएं, हम उसको फिर डिटेल से डिस्कस करें, ठीक है एवरीवन। और इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग की ये जो चार चीज़ें हैं सिंपल, आप लोगों ने मुझे इसके दो कंटूर्स, टेम्परेचर कंटूर, वेलोसिटी वेक्टर, और मार्क नंबर आपके पास किस तरीके से वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और थ्रस्ट आपके पास इनलेट और एग्जिट पे। हाँ, थ्रस्ट कैसे प्रोड्यूस होगी? अब आपका नोजल जो है वो क्या है, वो एक्सेलरेट करवाता है फ्लो को। एक्सेलरेट करवाने की वजह से क्या हो रहा है, आपके पास मोमेंटम की वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल आप देखिएगा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर में आपके पास कौन सी चीज़ें होती हैं, एक स्टैटिक प्रेशर होता है, दूसरा डायनेमिक प्रेशर होता है। इन दोनों को कैटर करें, सिंपल आप टोटल प्रेशर के डिफरेंशियल को इसके मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास थ्रस्ट निकल के सामने आ जाएगी। तो आपने थ्रस्ट भी निकाल के दिखानी है, आई गेस इस ट्यूटोरियल के अंदर थ्रस्ट का जो है कैलकुलेशन है या नहीं, मुझे आई डोंट नो, इसको देखना है, ठीक है एवरीवन। चीज क्लियर? चलिए फिर इंशाल्लाह आफ्टर ईद आप लोगों से मुलाकात होती है। अगर कोई आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम हो या इस तरीके से हो तो हम एक और सेशन वैसे ही रख सकते हैं क्लास के अलावा हट के, ठीक है। और काइंडली आप लोग ना मुझे अपना वो जी काशान कह रहे थे यार, इसको कल तक आप कर दें तो मसले की बात, लेकिन करिएगा खुद करिएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आप ना काइंडली अपने प्रोजेक्ट जो आप रिपोर्ट जमा कराएंगे उसके कम से कम एक टाइटल मुझे सारे सेंड काशान, आप काइंडली यार इस तरह काम करो, सारों से ना एक शीट बना लो जिसमें ग्रुप मेंबर नेम और उनका जो है प्रोजेक्ट टाइटल आगे वो मुझे भेज दो कि कौन किस चीज़ को प्रेजेंट करेगा। 2% अ ग्रुप आप रख लें और वो मुझे फिर, ठीक है। थैंक यू, चलें फिर इसको काम करें, और एडवांस में ईद मुबारक आप लोगों को मेरी तरफ से, अगर मुलाकात की होती है इससे। खैर मुबारक, खैर मुबारक, अल्लाह हाफिज़।